ग्वालियर के एक मजिस्ट्रेट की पत्नी ने अपने जेठ और जेठ के ससुर पर छेड़खानी का आरोप लगाया। आपको बता दें, महिला का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ पति की मौत के तीसरे दिन की गई। पति की 13वीं के अगले दिन उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इससे पहले जेठ ने 4 साल की बेटी को बालकनी से उल्टा लटका दिया और डरा धमका कर कोरे कागज पर साइन भी करा लिया। 45 तोले के सोने चांदी के जेवर, कैश और दूसरा सामान भी छीन लिया। घर से निकाले जाने के बाद महिला अपने मायके पहुंची, जहां उसने मामले की शिकायत की, तो वहीं पुलिस ने शिकायत पर सुन पर मामला दर्ज कर केस डायरी आने के बाद बौहड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 32 साल की महिला ने पुलिस को बताया कि शादी 10 फरवरी 2012 को ग्वालियर में हुई थी। पति मजिस्ट्रेट थे। वहीं शादी के बाद पति का ट्रांसफर जबलपुर हो गया था। कोविड काल के दौरान 3 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक से पति की मौत हो गई। वह पति के शव को लेकर ग्वालियर विनय नगर अपने ससुराल आ गई। यहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। जब वह आई तो वह अपने साथ 1,18,000 रुपए लेकर आई थी, जिसे उसके जेठ और जेठानी ने ले लिया। वही पति की मौत के अभी 3 दिन हुए थे कि रात के 9:30 बजे वह किचन में थी और उसके साथ जेठ ने शराब के नशे में बदतमीजी की। जब उसने विरोध किया तो जेठ ने उसके साथ मारपीट कर दी। किसी तरह उसने खुद को बचाया और 4 दिन बाद जेठ का ससुर भी उसके कमरे में आया और उससे छेड़छाड़ की। पति की 13वीं के अगले दिन ही जेठ, जेठानी, ननंद और जेठ के ससुर उसके कमरे में आए और उसकी 4 साल की बच्ची को बालकनी से उल्टा टांग कर मारपीट की। उसे जबरन कोरे कागज पर साइन करवाए गए और उससे जेवर छीन कर उसे घर से भगा दिया। इस मामले में बौहड़ा थाना पुलिस के अफसरों का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर मामला अब दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।